अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जननी एआई की कहानी। तुम इसे लैब लेके जाओगे और हम तीन इस परिवार से निपटते हैं। चलो। रुके क्यों? जॉइन के साथ एक बात कहूं, आप सब इस परिवार के साथ कुछ गलत नहीं कर सकोगे। क्यों? तुम्हें इतनी परवाह है इस परिवार की? कल तक तो खुद ही ने मारना चाह रही थी, आज मन बदल गया इतनी हमदर्दी इनके साथ? हाँ माँ, इसे तो टाइम लग रहा है, अब क्या करें? थोड़ा टाइम और। माँ, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। पता नहीं उन लोगों ने पापा पे अटैक कर दिया तो। मैं जाके देखती हूँ। नहीं तारा, नहीं तारा, वो लोग बहुत खतरनाक है, वो तुझ पे भी अटैक कर देंगे। माँ, वो लोग तारा पे अटैक करेंगे पर सितारा पे नहीं, क्योंकि उन्हें सितारा की जरूरत है। यहाँ से तारा जा रही है पर वहां सितारा होगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तारा बेटू, तारा ना, तारा। मुझे इस परिवार के लिए कोई हमदर्दी नहीं। इन लोगों ने बड़ी होशियारी से अपने लिए मदद बुला ली है। तुम लोगों को इन्हें अंदर नहीं जाने देना चाहिए था। अच्छा यही होगा कि हम सब यहाँ से चले जाएं। अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। प्लीज जल्दी कीजिए, वो लोग कभी भी अंदर आ सकते हैं। कर रही हो योगेश भैया, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है कुछ। तारा और विराट भाई सर भी बाहर हैं। हिरन जल्दी से स्टार्ट कर, वरना हम सब मर जाएंगे। पूरी कोशिश कर रही हूँ भाभी, पता नहीं ये क्यों नहीं चालू हो रही। मैं जा रहा हूँ। पागल हो गई हो ऋतिक? विराट और तारा ऑलरेडी बाहर है, अब तुम भी अपनी जान खतरे में डालोगे? तारा खतरे में आंटी, इसीलिए मैं जा रहा हूं। और मैं यहां पर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। आप सितारा को ठीक कीजिए, एक यही है जो उन लोगों को रोक सकती है। अब मैं उनकी मदद करके आता। ठीक है, ठीक है, पहले तुम्हें लैब लेके चलते हैं, बाकी परिवार वालों को तो हम बाद में ठिकाने लगा देंगे। अभी बाहर बहुत लोग हैं, चलो चलो निकलो, चलो। आई होप सितारा जल्दी ठीक हो जाए और हम सबको इन लोगों से बचा ले। कम ऑन जिंदगी, प्लीज सितारा को जल्दी ठीक कर दो।
रोबोट के हाथ से तो खून निकल रहा है। कमरे में एक गन भी रखते हैं, वो भी ले जाता हूं। रोबोट का तो खून नहीं निकलता है, ये क्या है? जाम तुझे, तेरे परिवार को बहुत भारी पड़ेगा। मैं तुम सबको तड़पा तड़पा के मारूंगी। कैसे तड़पाऊंगी क्या? पापा चलो, पापा चलो। मेरे पापा ने, तुम भी तो मेरी सितारा नहीं। रिबूट कब पूरा होगा? सितारा कब चालू होगी? ये कब की आवाज है? अरे वो लो नीरा शर्मा, हाँ? अब बहुत हो गया, ये चाकू मुझे दो, ये तारा का खेल में खत्म करके आता हूँ, जो शुरू किया है ना वो खत्म करता हूँ, बहुत हो गया, चल बा। ये लो। हाँ।
कहाँ रखी है? गन कहाँ है? यहीं तो रखते थे। इसका मतलब डैडी यहाँ वापस आए थे और गन लेकर गए। आईडी कार्ड। आईडी कार्ड भी यहाँ नहीं है, गन भी यहाँ नहीं है। इसका मतलब डैड लैब में गए। पहले मैं इनसे लिपट लेता हूँ, फिर लैब में जाता हूँ और डैड से कहूंगा कि ये पावर हासिल करने का पागलपन लालचपन ये बंद करिए। डैडी एक सब कुछ रोक दीजिए। सुनाई भी नहीं दे रहा क्या? मां क्या हुआ बेटा? माँ, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। मेरी तारा को कुछ हो गया है माँ, मुझे उसे बचाने जाना है माँ, मुझे मेरी तारा को बचाना है। नहीं बाबे, बाहर बहुत खतरा है। विराट भैया तारा पहले ही बाहर जा चुके हैं, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। नहीं योगेश भैया, मुझे बाहर जाना है, तारा की जान खतरे में, प्लीज जाने दीजिए मुझे। ईरा, तारा की जान कैसे बचाओगी बेटा ऐसे रो रो के? तारा की और हम सबकी जान बचानी है तो एक ही काम करना पड़ेगा तुझे, तेरा इस रोबोट तेरी सितारा को ठीक करना होगा। उसे ठीक कर दे बेटा। सितारा क्या कर रही है तू? चालू हो जा सितारा। सितारा जल्दी से ठीक हो जा, अपनी जननी के लिए उठ जा सितारा, तेरी बहन तारा खतरे में है, उठ जा उसे बचा ले, उसे बचा ले सितारा। क्या हो गया तुझे सितारा? प्लीज चालू हो जा सितारा, ठीक हो जा सितारा। चालू हो जा सितारा, ठीक हो जा सितारा। आज से तुमसे कुछ भी काम नहीं कराऊंगी, पक्का, प्रॉमिस। अरे ठीक हो जाना सितारा, प्लीज। फिर से शुरू करने की प्रक्रिया पूरी। आपने मेरे पापा के साथ क्या किया? कहाँ है वो? होली बेटू, मैं ही तो तुम्हारा पापा हूँ। मेरी शक्ल देखो। पापा। और तुम्हारे पापा की तरह खून भी निकलता है। ये देखो। आप मेरे पापा जी? नहीं। फर्क है, क्योंकि
कि तुम्हारे पापा के दिमाग में ना जज्बात, एहसास, यादें, रिश्ते, नाते ऐसी बकवास चलती रहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चिप है। तो मैं क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो। मैं बताता हूँ, काल्पनिक मशीनी मानव, आधा इंसान आधा रोबोट। आपके दिमाग में चिप हो सकती है, पर आपके सीने में दिल तो मेरे पापा का है, और उस दिल में प्यार भी मेरे लिए। आप मुझे नहीं मार सकते, मैं आपकी बेटी हूँ। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी और तुम्हारी माँ की। तुम लोग अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हो, लेकिन नहीं, तुमने और तुम्हारी माँ ने पीपी सर और रोबोट समाज के लिए बहुत मुसीबतें पैदा की। हर कदम पर कोई ना कोई अड़चन पैदा करते ही रहते हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों को लगता है हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो, जो ऑर्डर देंगे वही करेंगे। नहीं, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, मेरी मर्जी। नहीं, मेरी माँ ने कभी कुछ गलत नहीं किया, सब सही किया। आपने भी तो रोबोट मेरी जान बचाने के लिए बनाया था ना। हाँ, ये बात तुमने सही कही, मैंने रोबोट बनाया था तुम्हारी जान बचाने के लिए। अब यही हाथ जो है तुम्हारी जान लेंगे। मेरी तारा को कुछ हो गया वो। यार सितारा, तुमने डरा ही दिया मुझको। अब तुम नहीं आई ना तो देखो इसे मरना पड़ा। चलो पूरे परिवार को मारते हैं, यहां से निकलते हैं, बहुत बोर हो रहा हूं। लेट्स गो, लेट्स गो। चल
अरे सितारा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये गई, मार दिया मैंने इसको, खत्म, गेम ओवर, लेट्स गो, चलो चलो। तुम खुश हो? मशीन भी खुश है। I love you, love you, love you so much. मैंने तुमसे कहा था ना, ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये बिल्कुल मेरे जैसी है। ये वैसे ही सोचती है, समझती है, महसूस करती है, इसे नष्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये मेरी बहन जैसी है। अगर इस पे कोई मुसीबत आएगी ना, तो सबसे पहले मैं इसे बचाऊंगी। मुझे तारा को बचाना होगा।